हमने टू बी कंटिन्यूड लिखा था ताकि व्लॉग ज़्यादा बड़ा ना हो, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो अब ये देखिए, ये है बिजनेस लाउंज जो पहले अलग था लेकिन अभी G20 में ये अलग, बिल्कुल इन्होंने डिफरेंट कर दिया था। ये देखें, घुसते ही उल्टे हाथ के ऊपर, जैसे एंटर करते हैं तो उल्टे हाथ के ऊपर खाने पीने का सारा है और सीधे हाथ के ऊपर इन्होंने बनाए हुए रेस्ट करने के लिए सोफे डाले हुए हैं, बहुत खूबसूरत है। और बीच में से ये कॉरिडोर जा रहा होता है। और खाने के लिए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं इसमें। और इन्होंने जगह जगह, ये देखिए कहीं कहीं पर इन्होंने ये अलग तरीके से कुर्सी और टेबल लगाई हुई हैं, ये देख सकते हैं। और ये इन्होंने छोटा सा एक रीडिंग कॉर्नर भी बनाया है जिसके अंदर बुक्स हैं, तो आप बुक्स लेके पढ़ सकते हैं और ये प्रिंटर प्रिंट आउट वगैरह भी निकाल सकते हैं वहाँ से। तो इन्होंने हर तरीके की फैसिलिटीज़ दी हैं। अगर आपकी फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप यहाँ पर अपना वक्त जो है गुजार सकते हैं बहुत अच्छा सुकून के साथ। बहुत सुकून है यहाँ पर, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने प्लांट्स वगैरह सब लगाए हुए हैं यहाँ सारे। और जो ये उल्टे हाथ पर जो मैं आपको बता रही थी, यहाँ पर इन्होंने पूरा अपना खाने वगैरह का सारा इंतज़ाम किया हुआ है। तो जो दिल चाहे आपका खाइए और जब तक दिल चाहे आपका खाते रहिए, आप कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। देखिए कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है सब कुछ इन्होंने, बहुत खूबसूरत लगता है ये, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसलिए हमने आपके लिए ये वीडियो स्पेशली बनाया था, स्पेशली मेरे बेटे ने ये वीडियो आपके लिए, आप लोगों के लिए बनाया था कि, और उन्होंने ख़ास तौर से कहा था कि मम्मा आप अपने चैनल पर इसको अपलोड करिएगा, तो इसीलिए मैंने ये अपलोड किया है ताकि आप देख सकें यहाँ पर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अच्छा कमेंट कीजिएगा। आपके मोटिवेशन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और उम्मीद, मैं पूरा यकीन करती हूँ कि आप लोग ज़रूर मोटिवेट करेंगे। ये देखिए इधर इसमें जूसेस हैं, तरह तरह के जूसेस वगैरह रखे हुए हैं सब, मतलब सब कुछ मिलता है, इंडियन भी है, हर तरीके का है। जो आपको दिल चाहे तो आप सामने बनवा लीजिए, अपने उनसे कह दीजिए कि आप ये बना दीजिए तो वो वही आपको बना के देंगे। जिस तरीके से इस वीडियो में आगे हमने उनसे कहा कि हमें ये बना के दीजिए तो उन्होंने वही बना के दिया हमें। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर टेबल कुर्सियाँ लगी हुई हैं जिसमें बैठ के आप जो है अपना नाश्ता कर सकते हैं। नाश्ता क्या, वो एक तरीके से खाना ही हो जाता है। तो जो है इतना ज़्यादा चीज़ें होती हैं, इतनी चॉइस होती है, तो इंसान अगर थोड़ा थोड़ा भी लेगा तो उसमें भी उसका पेट भर जाएगा। तो ये जो इनका डिज़ाइन है ना कि बीच में कॉरिडोर जा रहा है, सीधे हाथ पे बैठने के लिए सोफे हैं, इधर खाना है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत लगता है। और ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बिजनेस लाउंज, ये देखिए ये है, ये इधर है उल्टे हाथ पर और ये सब है सीधे हाथ के ऊपर, ठीक है। ये देखिए सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम नाश्ता करेंगे क्योंकि फ्लाइट में होगा। ये कॉफ़ी का सेक्शन है, कॉफ़ी का सेक्शन, और ये मिल गई हमें जगह। अब हम यहाँ बैठेंगे और देखते हैं कि खाने में हम क्या लेते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर चॉइसेस होती हैं खाने की। ये है क्रीमी चिकन स्ट्यू है ये, और ये था एग करी, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, इसमें है बेक्ड बीन्स और ये है सौते वेजिटेबल्स, तो मैं तो यही ले लूँगी सौते वेजिटेबल्स। और ये ग्रिल्ड टोमेटोज हैं, ये हैं पोटैटो वेजेस, तो इससे तो दूर रहना चाहिए मुझे इनसे। उसके अलावा यहाँ पर चिकन सॉसेजेस हैं, ये रहे, ये देखिए। और ये बॉइल्ड एग्स रखे हुए हैं यहाँ पर, ये सब भी है और ये बना के भी दे रहे हैं, अंडा वगैरह सब जो भी आपको लेना है वो बना के देंगे आपको। इनके सारे बड़े रखा ये ऑयल और उधर देखिए क्या क्या है, ये फ्रूट्स हैं, अनानास, तरबूज और ये सारी बेकरी के, ये देखिए छोटी छोटी बोरी, छोटी छोटी बोरियाँ बनाई हुई हैं लोगों ने, उसमें रखा हुआ है। ये मसाला डोसा बना रही हैं हम,
ये मसाला डोसा बना लिया है। और ये यहाँ पे रखे हुए हैं फ्रूट्स, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। इसमें क्या है, पोहा तो ज़रूरी होगा यहाँ पर। पोहा पता है पूरी दुनिया में मिलता है पोहा। और ये है मेदू बड़ा, और ये है इसके अंदर इडली है। इडली इसे खोलें और फिर इसे खोलें गरम गरम इडली, ठीक। और ये है सांभर। और क्या लेना, हाँ देखते हैं। और भैया ये है टमाटर, ये है प्याज, मूंगफली, सेव, हरी मिर्चें। और ये क्या है, दलिया खिचड़ी है। ये है उपमा। और ये है भाजी। अरे बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है यार। और ये है छोले। तो ये छोटी छोटी बोरियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। इनमें देखिए मसाले इन लोगों ने रख रखे हैं। चलिए अब चलते हैं और लेते हैं, क्या लेना है हम खाएंगे। इधर भी है कुछ अक्रमा, इधर क्या है, यहाँ पर दही वगैरह, दही। हाँ अच्छी मछली है। नहीं नहीं अच्छी मछली नहीं, स्मोक सैलमन। ये लैम्प का कुछ सलामी, ये चिकन सलामी। चलो मैं लेती हूँ। यहाँ पे भी है ये सब, बहुत ज़्यादा है मतलब जो भी है। ये जैसे वीट फ्लेक्स हैं, और ये है कॉर्न फ्लेक्स हैं, ये फ्रूट लूप्स हैं, ये मूसली है, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा है, जो आपको लेना है वो आप लीजिए, चॉइसेस बहुत ही ज़्यादा है। चलें अब रखते हैं मोबाइल को एक तरफ और करते हैं नाश्ता, क्योंकि अब हम आए थे सुबह, असल में कुछ भी नहीं खाया था हमने। और शायद अक्रमा ने अपनी प्लेट भी बना ली। तो ये हम लोगों का ब्रेकफास्ट है भाई। इस वक्त हम लोग लाउंज के अंदर बैठे हैं अपने बिजनेस लाउंज में एंड काम में। और ये सैलेड हैं, इसमें फ्रूट्स हैं, और कुछ हमने इसके साथ सॉसेज लिए हैं। साथ में हैं चिकन स्टू, क्रीमी चिकन स्टू, सॉटे वेजिटेबल्स हैं, और ग्रिल टोमेटोज़ हैं। ये इडली है, अम्मा अपने लिए इडली लाई हैं, और चिकन स्टू लाई हैं, और सॉटे वेजिटेबल्स लाई हैं काफ़ी अच्छी। फिर ये इन्होंने अपने लिए, अम्मा ने बनवाया है ऑमलेट, साथ में चिकन सॉसेज, एग करी, और बेग बीन्स, पोहा जो हर जगह अवेलेबल होता है, दुबई से लेके लंदन से लेके न्यूयॉर्क तक हर जगह खाया है हमने। और उसके साथ ये चटनी हमें बड़ी अच्छी लगती है, साथ में सांभर हो गया, और ये हो गए छोले। डाइट कोक हो गई, पानी हो गया, और इस तरीके से यहाँ पे ये अम्मा बैठी हुई हैं। अब हम लोग खाएंगे इत्मीनान से थोड़ा, उसके बाद फिर अपने बोर्डिंग के लिए अपने गेट के ऊपर चलेंगे। सऊदी एयरलाइन की हमारी फ्लाइट है डायरेक्ट जद्दा के लिए। तो मैंने इनको यहाँ पर बताया है कि मुझे एग वाइट बना दीजिए, ऑमलेट। ऑमलेट बनाएंगी या वो बनाएंगी आप? भुर्जी नहीं, ऑमलेट। हाँ हाँ थैंक यू। तो मैंने इनसे कहा है कि एग वाइट चाहिए मुझे, योक नहीं चाहिए मुझे, और इसमें ये सब डलेगा। ये क्या है, व्हाट इज दिस? मैम ये शिमला मिर्च होता है। हाँ ब्रेड वाला होता है ना। हाँ बेल पेपर। हाँ बेल पेपर है ना ये बेल पेपर्स हैं। और टोमेटो, और ये मैंने कहा है प्याज और मशरूम, और ये ऑलिव्स का है मैंने। तो इससे आप बना दीजिएगा, थोड़ा हेल्दी सा है ना। ओके आई एम वेटिंग। तो ये हमारा जो है नाश्ता आ चुका है, और ये है चिकन सॉसेज, और ये बेक्ड बीन्स है ना, और ये एग करी है, ये है पोहे जो पूरी दुनिया के अंदर मिलते हैं, और ये चटनी अक्रमा को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और ये मिर्चे मेरे वजह से रख लाए थे। ये है सांभर, छोले, और ये क्रीमी चिकन स्टू है ये वाला, और सॉटेड वेजिटेबल्स हो गई, चेरी टोमेटो हो गई ये, और ये ग्रिल टोमेटोज हैं, हमें बड़े अच्छे लगते हैं जब ये खाते हैं। और ये हम आपके लिए सैलेड लेके आए हैं, इसमें फल हैं, और इसके अंदर हमने लेटिस के साथ में ब्रोकली और कुछ ये सैलेड ड्रेसिंग भी रख ली है अलग से, सॉसेस वगैरह। जज़ाकअल्लाह। ये इडली हो गई आपकी, और ये फिर से सॉटेड वेजिटेबल्स और चिकन स्टू, और ये आपने अपने लिए ऑमलेट मैंने बनवाया था, एग वाइट का बनवाया था मैंने। तो अभी हम लोग खाना खा, ये नाश्ता करते हैं, और उसके बाद चलते हैं जल्दी से, लेट हो जाएंगे नहीं तो हम लोग। चलो नहीं लेट नहीं होंगे, काफ़ी टाइम है, ठीक है, इत्मीनान से खाएंगे। क्योंकि अब भी चले गए इस दुनिया से, तो मैं अभी हूँ दुआ करने के लिए तुम लोग।
तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता करने के बाद हम लोग रेस्ट कर रहे थे थोड़ी देर। हमने यहाँ पर रेस्ट किया था और अब क्योंकि हमारा फ्लाइट का टाइम हो रहा था तो हमने कहा कि अब हम चलते हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से और अब हमारा फ्लाइट का टाइम हो रहा है तो अब हम चल रहे हैं। चलिए, हाँ बोर्डिंग टाइम हो रहा है, चलें। ये देखिए यहाँ पर बैठे हुए लोग। और जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि वहाँ पर क्या क्या था खाने में नाश्ते के अंदर, तो वो सब आपने देख लिया होगा और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अब हम ये जा रहे हैं वापस, क्योंकि जो है टाइम हो रहा था फ्लाइट का तो हमें जाना था। और हमने इसको म्यूट इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पर म्यूज़िक बज रही थी, तो इसलिए हम वॉइस ओवर कर रहे हैं यहाँ पर। और ये हम आपको दिखाते जा रहे हैं, ये खाने के बाद या खाने से पहले आप कभी भी यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। जो इन लोग इन्होंने ये जो सोफ़े डाल रखे हैं, बहुत ही खूबसूरत और नीट एंड क्लीन एरिया है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा एरिया है। कोई भी अगर यहाँ आएगा तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये अब हम निकलने लगे थे बाहर यहाँ पर लिफ्ट से, तो हमें क्योंकि अब देर हो रही थी तो हमने कहा कि अब बस अब चलते हैं बाहर। तो इस लाउंज से अब हम जा रहे हैं बाहर और ये हैं लिफ्ट लगी हुई है। थर्ड फ्लोर के ऊपर जैसे हम लोग बिजनेस लाउंज में गए थे, ऐसे ही उसके ऊपर फोर्थ फ्लोर के ऊपर जो है होटल भी है, हॉलीडे इन एक्सप्रेस फाइव स्टार होटल, जो दिल्ली एयरपोर्ट पे इकलौता होटल है जो अंदर ही है। और ये आवरली रेट्स के ऊपर आपको अवेलेबल हो सकता है। तो अगर किसी का लंबा लेओवर है या ज़्यादा देर के लिए उसको प्राइवेट स्पेस चाहिए, रूम चाहिए रेस्ट करना है, या जो भी उसकी चीज़ है फैमिली है, तो वो पूरा होटल का रूम भी ले सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। और इसमें पावर शावर भी है और वाईफाई वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही है। हॉलीडे इन एक्सप्रेस है और अभी काम भी चल रहा है यहाँ पर, सब चले। और ये है अराइवल, ये आ रहे हैं लोग नीचे से। गेट नंबर 8 है हम लोगों का, जहाँ से हमारी फ़्लाइट सऊदी एयरलाइन की है, और उस गेट की तरफ ही जा रहे हैं हम लोगों का। ये उमरा का सफ़र है और ये थोड़ा लंबा सफ़र है। पिछली बार जब अम्मा के साथ आए थे, अम्मा और साहबजादी के साथ, तो मक्का मदीना के अंदर कम टाइम के लिए आए थे। इस बार ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं हम लोग, और काफ़ी ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं इस बार, तो साहबजादी नहीं है क्यों वो। अभी हम अम्मा के साथ जा रहे हैं और अभी जद्दा पहुंचेंगे, जद्दा में रुकेंगे, उसके बाद जद्दा देखेंगे थोड़ा सा, वहाँ से फिर कल हम लोग इंशाल्लाह मक्का जाके अपना उम्रा पूरा करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ऐसे कबूल करें और बार बार हमको हम लोगों को उस जगह पे बुलाएं और वहाँ जाने की तौफीक अता करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर और अभी हमारी थोड़ी ही देर में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, बस थोड़ी टाइम लगेगा। ये बैठे हैं अक्रमा और हम लोग जो है वहाँ से एहराम, तुम कहाँ से बांधोगे? जद्दा से हम लोग रुकेंगे जद्दा के अंदर, उसके बाद वहाँ से कल हम लोग जाएंगे मक्का के लिए। अच्छा, आज हम लोग जद्दा में रुकेंगे जी। ठीक है, ओके। और यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, जो लोग सभी लोग उमरा करने के लिए जा रहे हैं ज़्यादातर, तो ये सब चलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा हमें। यहाँ पे सभी लोग जो है वो उमरा वाले लोग ही बैठे हुए हैं क्योंकि ये सऊदी का हुआ है ना, सऊदी वाली जगह। और ये आ रहे हैं अक्रमा, अब हम लोगों की जो है बोर्डिंग शुरू हो गई है क्योंकि जो बिजनेस क्लास है उन लोगों की ये लोग लास्ट में करते हैं, तो हमारी ये प्रायोरिटी। अब हम करते हैं बोर्डिंग और मिलते हैं आपसे बाद में। ये बॉटल हाथ में बदल दीजिए, ठीक है? चलो।